हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बच्चों ने नाश्ता कर लिया है और नाश्ता करने के बाद ये इस रूम में आ जाते हैं खेलने के लिए। ये मोमिन की जो है वो ट्राई साइकिल है, वो आयशा ने जो बोर्ड को अपना स्लाइड बना दिया है क्योंकि इस बोर्ड पर मैं इनको पढ़ाती हूँ। तो ज़रा इन्होंने दिमाग लगा के इसको जो है सिलाई मशीन के ऊपर रख के इसको स्लाइड बना दिया, क्योंकि आयशा को स्लाइड करने का बहुत शौक़ है। और ये आलियान जब एक साल के थे, ये गाड़ी इनको इनकी बर्थडे पे नानू ने दी थी और तब ये चलाते नहीं थे। अब ये बड़े हो चुके हैं तो अब ये गाड़ी चलाना चाहते हैं, ठीक है। और ये हमारे मोमिन हैं। जी बेबी आ जाओ। ये हमारे बेबी हैं और ये हमारे हैं चिपकू बेबी हैं ये। इस कमरे में इनको बंद करके मैं काम करने जाती हूँ। अब मेरे काम का टाइम हो चुका है, अब मुझे किचन जाना है और मैं किचन के काम निपटाऊँगी। ओके आलियान, आपसे एक बात पूछूँ, आप आयशा से मोहब्बत करते हो? यस। कितनी मोहब्बत करते हो अपनी बहन से? अच्छा, तो अगर आयशा की शादी हो जाएगी तो आलियान आपको कैसा लगेगा, आप क्या कहोगे? गाड़ी वाला आया करते कचरा निकाल। अच्छा आयशा, आयशा भैया ने आपको कचरा कह दिया। आयशा व्यूअर्स, मेरे किचन के काम हो चुके हैं और नाश्ता करने के बाद मैंने किचन के काम कंप्लीट कर लिए। अब मैं इन लोगों को जो है वो नहलाने के लिए लेके जा रही हूँ। इन लोगों को मैं फ्रेश करूँगी, आलियान आयशा एंड मोमिन। देन आई विल ऑल्सो टेक बाथ एंड परफॉर्म द प्रेयर। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं आलियान आयशा और मोमिन जो है वो नहा चुके हैं और जो है अब मैं इनको कपड़े पहनाऊँगी, फिर ये रेडी हो जाएंगे। मैं इनके लिए मैंगो शेक बनाऊँगी क्योंकि ये सुबह छुट्टियां हैं, देर से उठते हैं तो दोपहर का खाना हमारा स्किप हो जाता है। फिर मैं इन्हें शाम में फ्रूट देती हूँ या कोई भी शेक बना के देती हूँ। सो व्यूअर्स, बच्चे रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। अब जो है ये आलियान जो है वो मैंगो शेक बनाएंगे अपने बहन भाइयों के लिए और फिर मैंगो शेक पियेंगे ये लोग, जब तक मैं उमर के कपड़े जो हैं वो सारे तय कर लूँगी और इनको कबर्ड में रखूँगी। कपड़े तय हो चुके हैं, अब मैं इनको क्लोज़ेट में रखने जा रही हूँ और आपको अपना क्लोज़ेट भी दिखाऊँगी कि मैं कितना मेंटेन और फ्रेश रखती हूँ उसे। तो चलिए आइए आलियान, आप बेटा ये कपड़े उठा के लाइए। आलियान आराम से, देखें ये उमर का है और ये भी उमर का है, इसके ऊपर मैं इनके कमीज शलवार रखे हुए हैं। यहाँ बेड पे रख दो बेटा। और ये मेरा क्लोज़ेट है नीचे और ये बच्चों की मेडिसन्स हैं। और ये नीचे जो है ये देखें, ये फाइलों की ड्रॉज है। और मोमिन आप हटिएगा, मोमिन हटिएगा। और ये जो नीचे है इसमें मेरी जो है वो ज्वेलरी वगैरह होती है। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से ज्वेलरी को मेंटेन रखा हुआ है। नो आयशा, नो। ये देखें, ये ज्वेलरी है, ये सारे जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें मेंटेन रखी हुई हैं। मोमिन आप इतना तंग करोगे तो मम्मा नहीं वीडियो बना पाएंगी ना। ये देखें, ये आयशा का सारा सामान है और मेरा जो ज्वेलरी का सामान है सब इसके अंदर है। और ये जो हमारी ये है ना आयशा, ये सारी ज्वेलरी इनकी है। इसमें इनकी टॉप्स वगैरह हैं, इनकी चूड़ियाँ हैं, इनकी पोनीज हैं और इनकी वॉचेस हैं, रिस्ट वॉच, और इनके नेकलेसेस हैं, छोटे छोटे कैचर्स हैं, ये भी आयशा की चूड़ियाँ हैं। और इसके अंदर मेरी ज्वेलरी है, वो मेरे पर्सेस वगैरह हैं। तो चलिए व्यूअर्स, इसको रख देते हैं हम और चलते हैं, अब कपड़े रखते हैं। कपड़े तो आज ले आई, तो लाइए बाबा के कपड़े दीजिए आलियान। वेरी गुड, और डालिए और ठीक है, दूसरे वाले में बिल्कुल डाल दीजिए। करीब करिए, गिरेगा करीब। हाँ, और करीब ऐसे। वेरी गुड,
ठीक है। अब ये जो ट्रे आपसे गंदी हुई है ये हमें साफ करनी पड़ेगी, हम इसे साफ कर। जी व्यूअर्स देखिए, अब ये सब मैंगो शेक पी रहे हैं ये लोग। जब तक मैंगो शेक पी रहे हैं मैं भी जल्दी से पी लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैं अपना किचन किस तरीके से साफ़ सुथरा रखती हूँ। वोमेन बड़े मज़े से मैंगो शेक पीते हैं, बनाना शेक भी बहुत शौक से पीते हैं, और कोई चीज़ नहीं खाते, बस ज़रा यूनिक आइटम्स हों और कबाब्स हों और दलिया साबूदाना और ये गंदम का जो मीठा दलिया होता है वो कुछ खाना पसंद नहीं करते, इनको सारी एडवांस चीज़ें चाहिए होती हैं। वेरी गुड, कीप इट अप मोमिन। मोमिन इज द विनर। आई थिंक भैया वुड बी द रनर अप एंड आयशा विल बी द लूजर डेफिनेटली। यस बिकॉज आयशा यू हैव नॉट फिनिश योर शेक येट। रेडी आयशा? रेडी? जस्ट ड्रिंक इट अप, हरी अप, ड्रिंक इट अप। यस गुड, वेरी गुड। आयशा विल बी विनर, आयशा वुड बी विनर। भैया इज द रनर अप, मोमिन इज द विनर। अय्या वेयर इज अय्या? यस अब रनर अप हो क्योंकि मोमिन फर्स्ट थे जिन्होंने मिल्कशेक सॉरी बनाना मैंगो शेक ख़त्म किया था। आयशा, आयशा तो बहुत टाइम लगाती हैं, खाने पीने की चोर हैं। अम्मा मुझे, मैं भी विनर हूँ। आयशा आलियान, जब आप आयशा ये ख़त्म कर लेंगी तो ये ट्रे आप उठा के लाओगे किचन में, ठीक है? मम्मा किचन में जा रही हैं, कबाब पीसेंगे। ठीक है, कबाब चढ़ाएंगे। जी आ रही, आप मुझे किचन में लाके दिखा दिएगा आयशा। ये मैंने दाल चढ़ाई हुई थी, दाल बन चुकी है, अब मैं दाल को इसमें पलट दूंगी और ये गोश्त है मैं इसका शामी कबाब बनाऊंगी क्योंकि आलियान को शामी कबाब बहुत पसंद है। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ भी व्यूअर्स दिखाना चाहती हूँ कि मैं अपने किचन को किस तरीके से साफ सुथरा रखती हूँ। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, आलियान उठा लो बेटा। देखिए मैं, मेरे कैबिनेट्स भी आपको कुछ चिकने बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, पीछे की वॉल भी आप देख लें, हाथ लगा के चेक कर लें। मैं बहुत इसको साफ़ सुथरा रखती हूँ, मेरे चूल्हे भी बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं, क्योंकि आप अगर चूल्हे साफ़ नहीं रखती, अपना किचन साफ़ नहीं रखती तो इसका मतलब ये है कि आपको सफाई की आदत नहीं है। आलियान आप यहाँ क्यों बैठ गए, मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। हटो आलियान, ये देखिए मैंने कितने तरीके से सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ऐसा नहीं लदा फदा किचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऊपर आपको जो ये रेड कलर की टोकरी नज़र आ रही है ना, ये मैंने छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं जो बच जाती हैं, जो कहीं रखने की जगह नहीं होती, ये टोकरी मैंने उसके लिए रखी हुई है। और ये तो अभी चावल क्योंकि ज़्यादा ले आए थे उमर तो वो डब्बे में नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने ये यहाँ ऊपर रख दिए, और चीनी भी ज़फ़र ज़्यादा ले ली थी। ठीक है, तो आलियान क्लोजिंग कैबिनेट्स, मैं आपको ये वाला भी दिखा देती हूँ, ये भी आप देख लें। ऊपर डलिया है, मशीन रखी हुई है, साइड में बॉक्सेस क्योंकि इजाफी थे मैंने ऊपर रख दिए, वरना नीचे फैले रहते हैं, वो रोटी का कपड़ा है। ठीक है बेटा, आलियान आप उठा के लाइए ट्रे। अच्छा अब नीचे भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देखें नीचे जो है मेरे बर्तन रखे हैं। हाँ आयशा, आयशा हैव यू फिनिश्ड? आलियान यहाँ से हटिए, आप यहाँ से हटिए। ये देखें आपको मेरी कोई भी चीज़ बिल्कुल डिसबैलेंस नज़र नहीं आएगी, कोई चीज़ खुली नज़र नहीं आएगी। जी बेटा मुझे वीडियो बनाने दो। ये देखें सारे बॉक्सेस रखे हुए हैं और कोई भी चीज़ खुली नज़र नहीं आएगी। बेशक आपकी किचन में कोई कीड़ा मकोड़ा हो या ना हो, कोई लीजर्ड, कोई ऐसी कोई भी चीज़ हो या ना हो, लेकिन अपने किचन के जो भी बर्तन होते हैं उसको हमेशा ढांप के रखें। आप नीचे के कैबिनेट्स भी देख लें, आपको सारे साफ़ सुथरे मिलेंगे अल्लाह का शुक्र। सिंक की जगह भी देख लें, बाज़ लोगों की सिंक की जगह बिल्कुल गंदी काली नीली हो रही होती है। हाँ बेटा अभी करती हूँ। कौन सा कबाब?
अब मैं आपको अपना किचन भी दिखा देती हूँ। मैंने फ्रिज को ना ज़रा बारिश ही चल रही थी तो क्योंकि ये सामने देखिए गैलरी में ही किचन है तो फ्रिज के ऊपर सारा पानी आ रहा था इसलिए मैंने फ्रिज को आगे कर लिया। आप मेरे फ्रिज को भी देख सकते हैं, आपको बिल्कुल गंदा नज़र नहीं आएगा। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा मेरा फ्रिज होता है। कोई भी चीज़ आपको गंदी या बिल्कुल मिसमैनेजमेंट नज़र नहीं आएगी। और फ्रिज गंदा खोलते ही जो नज़र आता है वो तो अल्लाह की तौबा, बहुत मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। छोड़ो आयशा, बंद करो। आलिया ना, आप उठा के नहीं लाए ट्रे? ट्रे उठा के नहीं लाए आप? उठा के लाइए। चलिए, अच्छा मैं छोटे मोटे काम आलियान से कराती हूँ। अब ये कप्स जो हैं, ये ग्लास जो हैं, ये मैं आलियान से वॉश करवाऊँगी। अच्छा मैं आपको अपनी मशीन भी दिखा दूँ। ये देखें, ये 3-4 साल पुरानी है और आपको देख के बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा कि ये 3 या 4 साल पुरानी है। आप इसकी सफाई सुथराई भी देख सकते हैं। जी तो वियर सारे काम करते कराते जो है वो असर का टाइम हो चुका है और असर की नमाज़ का वक्त भी हो गया है। तो अब मैं असर की नमाज़ पढ़ूंगी। नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों को जो है वो उनकी एकेडमिक क्लास के बारे में थोड़ा सा ट्यूशन दूंगी क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, ज़्यादा होमवर्क नहीं है, ज़्यादातर मैं उन्हें कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा देखेंगे आलियान एंड आयशा का होमवर्क्स, समर वोकेशंस। सो व्यूअर्स, अब इन लोगों का जो है वो आज क्लास है पेंटिंग की। आज आयशा और आलियान जो है वो पेंटिंग करेंगे। और ये जो हमारे जी, क्या दूँ, क्या चाहिए आपको? वो चाहिए दे दो आलियान से। तो आज जो है इनकी पेंटिंग की क्लास है, मैं इनको ड्राइंग करके दूंगी और ये उसमें पेंट करेंगे। आलियान, आर यू रेडी? आर यू रेडी? एक्सक्यूज मी आलियान, आर यू रेडी? आयशा, आर यू रेडी? चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मम्मा जो है ना वो गाड़ी बनाएंगी, ठीक है? ओके ओके, आपने उसमें पेंटिंग करनी है। मम्मी ने अभी खोलना नहीं है ऐसे, ठीक है? तो मम्मा जो है वो गाड़ी बना रही हैं। गाड़ी के लिए हम यूं करते हैं पहले आयशा, फिर एक यूं, मम्मी अभी नहीं बेटा, और फिर हम इसको ऐसे करके ऐसे करते हैं, ठीक है? ऐसे किया हमने। आयशा वेट, आयशा वेट वेट वेट, ये हम बना रहे हैं पहिए। आयशा ये पहिए तो हैं बट इनकी शेप आप बता सकती हैं, क्या शेप है, क्या है शेप, ये क्या है, ये क्या है बताओ? ये पहिए। पहिए तो हैं, इनका शेप बताइए क्या है। शेप? इनका शेप बताइए क्या है। ये। इनका शेप बताइए क्या है। ये। सर्कल। इनका शेप क्या है? सर्कल। इनका शेप क्या है? सर्कल। सर्कल, हाउ मैनी सर्कल्स आर इन दिस पिक्चर्स? टू। आयशा आई एम आस्किंग टू यू हाउ। अब आलियान ने पेंटिंग स्टार्ट कर दी। आलियान जो है वो टेडी बेयर में पेंट कर रहे हैं। आयशा ने पेंटिंग कर ली है एंड मोमिन इज वेटिंग फॉर पेंट। जी देखिए बच्चे कलर कर रहे हैं, वेरी गुड। अलिन सही से लो बेटा कलर, ये देखो क्या हुआ, टूट गया? नो, जी व्यूअर्स ये देखिए आलियान का टेडी बियर, उसमें इन्होंने पेंटिंग की है, ये आलियान का है। और आयशा आप दिखाइए अपना, आयशा का, वेरी गुड। तो चले बच्चे बंद करें आप ये, चलिए ठीक है, ओके। जब तक बच्चे अपनी बुक्स वगैरह समेटेंगे मैं सारा खाना रेडी कर दूंगी। इतने में उमर आ जाएंगे और वो थोड़ा सा फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा टीवी देखते, टीवी देखने के बाद हम खाना खाते। उसके बाद जो है वो बच्चे जो है दादी के यहाँ चले जाते क्योंकि दादी नीचे ही सेकेंड फ्लोर पर रहती हैं।
वहाँ से होके आते हैं, फिर मैं इन्हें सुला देती हूँ। बाकी जो रूटीन होगी वो आप आगे वीडियो में देखिएगा। और सब आलियान और आयशा जो हैं वो रात का खाना खा रहे हैं। मैं उमर के आने से पहले इन्हें खाना खिला देती हूँ। ये खाना खा के दादी के यहाँ चले जाएंगे और इतने में उमर आ जाएंगे। जी व्यूअर्स, उमर अब आ चुके हैं और अब मैं उनके लिए खाना लगाऊंगी। और मैंने, क्योंकि आप जानते हैं, मैंने आज दाल चावल बनाए थे और आप देख सकते हैं शामी कबाब हैं और दाल है और चावल हैं। प्याज ज़रूर खाते हैं उमर और अचार तो मस्त है। तो अब जो है आप भी जाइए, या तो आराम कीजिए, खाना खाइए, रेस्ट कीजिए। हम भी खाना खा के थोड़ी देर राउंड के लिए बाहर जाएंगे, हो सकता है वॉक के लिए जाएं, तो उसके बाद हम आके सो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। टाटा बाय बाय।